सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ की ग्रीन कढ़ाई। तो बीफ की ग्रीन कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए जो हमें सामान चाहिए, जो अच्छा हमें चाहिए, उसमें मैं ले रही हूँ 1 किलो लिया है मैंने यहाँ पे बीफ का गोश्त। आप मटन में बना सकते हैं पर मैं यहाँ पे बीफ ले रही हूँ, गाय का गोश्त ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए हरी मिर्चें 8 से 10 अदद और उसको काट लिया है मोटा मोटा थोड़ा सा। और हरा धनिया लिए है आधी गड्डी। दही ले रही हूँ यहाँ पे मैं आधी प्याली। तेल लिया है यहाँ पे मैंने आधी प्याली। लेमन जूस ले रही हूँ 1 चम्मच। स्पाइस में जो हमें सामान चाहिए, मसाले चाहिए, वो मैं ले रही हूँ ज़ीरा 1 चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 चम्मच। नमक मैं ले रही हूँ 1 चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला ले रही हूँ 1 चम्मच। और ये साबुत धनिया है, उसको थोड़ा सा मैंने भून के कूट लिया है, ये मैं ले रही हूँ 1 चम्मच भर के मैंने लिया है। और जाहिर सी बात है ग्रीन कढ़ाई बन रही है तो ग्रीन ही टमाटर लेंगे, यहाँ पर हम लाल टमाटर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्रीन टमाटर, वो मैंने थोड़े मोटे मोटे काट लिए। देखें आप, बहुत आसानी से सब्ज़ी वाले के पास मिल जाएंगे, इसे कच्चे टमाटर भी कहा जाता है। और प्याज ले रही हूँ मैं यहाँ पे 3 बड़ी, मैंने दरमियानी प्याज ली है। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ले रही हूँ 2 चम्मच। तो चलें इसको मैं मैरिनेट करती हूँ पहले, हम मैं डायरेक्ट बनाऊँगी नहीं। तो पहले मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है, एक डिश मैंने ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ दही। दही को मैंने हल्का सा मैल्ट कर लिया है बिल्कुल, ताकि इसमें दाना ना रहे। ये देखें आप, दही फेंट लिया मैंने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो मेरे खुशक मसाले थे, ये डाल रही हूँ, ये मैंने डाल लिए। यहीं पे चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी मैं डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छे से। लेमन जूस डाल रही हूँ, ये भी यहीं पे डाल रही हूँ। बहुत ही आसान और झटपट तैयार करने वाली है। बीफ गलने में टाइम लगता है पर ये बनती बहुत ज़बरदस्त डिश है। और ये हरी मिर्चें और हरा धनिया भी मैं यहीं पे डाल रही हूँ। अच्छा, ये आप मैं दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे गोश्त डाल रही हूँ इसी में, इसको डाल के पहले मैं मिक्स करूँगी। मैं दिखाती हूँ, मैं हाथ से मिक्स नहीं कर रही क्योंकि मैंने लास्ट मैंने आपको दिखाए थे कबाबों के शामी कबाब की, तो उसके अंदर मैंने जब मिक्स करा था मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा मिर्चें लगी थी कि वो कम से कम 4-5 घंटे तक मेरे हाथों में मिर्चें लगती रही हैं। वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गए थे, इसलिए मैंने आपको बताया स्पाइसी कबाब बनाए थे मैंने शामी कबाब, तो इसलिए अभी मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ। आप हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने मिक्स कर लिया, देखें हरी मिर्चें हरा धनिया सब मैंने इसी में मिक्स करा है। ये देखें, और इतनी अच्छी लजीज खुशबू आ रही है, अभी तो सिर्फ मसाला मैंने मिक्स करा है तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और साथ में मैं यहाँ पे ही डाल दूँगी टमाटर भी डालूँगी, अपने आधे टमाटर मैं छोड़ दूँगी, वो मैं बाद में डालूँगी। ये भी डाल के मिक्स करती हूँ। तो ये देखें आप, हर चीज़ की, हर फ्लेवर की खुशबू यहाँ पे कितनी ज़्यादा अच्छी से आ रही है। जब आप बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह बनाएंगे और बहुत ही आपकी अच्छी सी बनेगी ये। तो चलें, ये हमारा यहाँ पे मिक्स हो गया है, बहुत ही कलरफुल नज़र आ रही है, ग्रीन ग्रीन और टमाटर से और दही वही सब इसका फ्लेवर सा आ रहा है, खुशबू उड़ी है। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ। आप अगर 1 घंटे भी रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर मैं यहाँ पे 1/2 घंटे के लिए रख रही हूँ। 1/2 घंटे हो जाते, प्याज मैंने नहीं डाली, प्याज मैं अलग से ही हल्की फ्राई करूँगी, उसको भी मुझे ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना, उसको भी लाइट फ्राई करूँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी, पहले 1/2 घंटा हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखें आप, 1/2 घंटा हो चुका है, मैरिनेट हो चुके हैं ये, और बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है, गोश्त भी बहुत सॉफ्ट हो गया है, दही ने पानी ने छोड़ दिया अपना। और अब ये यहाँ पे लूँगी तेल, कढ़ाई मैंने गर्म पे रख दी थी, आज मैं थोड़ी सी तेज़ कर लूँगी, यहाँ पे चूल्हा मैंने ऑन कर लिया था। और यहाँ मैं डाल रही हूँ तेल, तेल गर्म होता है तो फिर मैं उसमें डालूँगी प्याज। प्याज मैंने आपको बताया था नहीं डाली थी, और एक और बात सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने जो टमाटर लिए थे, टमाटर मैंने यहाँ पे 1/2 किलो लिए थे क्योंकि 1 केजी है हमारा बीफ,
तो इसलिए मैंने यहाँ पे आधा किलो टमाटर लिए हैं। आप अपने जितनी आपकी क्वांटिटी हो आप अपने उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो ये देखें तेल गर्म हो चुका है, तो आहिस्ते से मैं डालूंगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैं डालूंगी प्याज। तो ये देखें तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, तो इसलिए प्याज भी मैंने डाल दी है। प्याज को हम ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, ये देखें बस ऐसे करेंगे कि प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी सी मुलायम हो जाए। तेल की फ्राई करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल गोल्डन गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ये देखें तो ये देखें बिल्कुल हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है, और ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है प्याज। ये देखें आप, ये देखें अब मैं इसमें यहाँ पे डालूँगी, बिल्कुल ज़्यादा मैं नहीं करा, हल्की हल्की सी बस गुलाबी गुलाबी सी करनी थी, तो ज़्यादा वो सिर्फ सॉफ्ट करने के लिए। तो ये देखें कुछ प्याज हो गई है हल्की हल्की गुलाबी और कुछ छोड़ दी मैंने। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर जो मैंने मैरिनेट करके रखा था, चूल्हा थोड़ा सा मैंने स्लो कर दिया यहाँ पे फिलहाल अभी, क्योंकि मैं डाल रही हूँ तो हीट ज़्यादा आ रही है इसकी। तो ये देखें मैं ऐसे ऐसे करके डाल रही हूँ, आप भी बहुत ज़्यादा एहतियात से डालिएगा। पानी है ये आप देखें, अब ये दही ने भी पानी छोड़ा है और टमाटर का भी पानी है। तो ये देखें आप, दही ने अपना कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है, टमाटर ने भी पानी छोड़ा हुआ है। तो इसको अभी हम हल्का सा मिक्स करके 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकने के लिए छोड़ेंगे, फिर मैं इसकी भुनाई करते हुए दिखाऊँगी, और फिर मैं पानी डाल के पकाने के लिए छोड़ूंगी। अभी फिलहाल इसका पानी खुश हो जाए, क्योंकि मैं कच्चापन ख़त्म हो जाएगा इसका, मैं जब भुनाई करूँगी इसलिए दही का पानी खुशक होता है। तब तक के लिए मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं ढक के रख रही हूँ, फिर मैं भुनाई करूँगी। तो ये देखें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे जो घी इसने दही और टमाटर ने पानी छोड़ा था वो खुशक हो चुका है, तेल ऊपर आ गया। ये देखें अब मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी, थोड़ा तेज़ आँच पर लेती हूँ। तो ये देखें टमाटर भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। तो पहले मैं भुनाई करूँगी, ये देखें, और अच्छे से भुन गई है, ये देखें। अब मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये पानी डाल दिया, अब हम गोश्त गलाने के लिए छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए स्लो आंच पे, ताकि इसका पानी खुश हो जाए। इसी पानी में टमाटर और हमारी प्याज और गोश्त अच्छे से गल जाएं। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी और स्लो आंच कर दूंगी, ताकि ये आधे घंटे में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी और गार्निशिंग करूँगी इसकी। तो ये देखें आप, जैसे ही उबाल आता है तो मैं स्लो आंच कर दूंगी, और आज भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए, और आंच में थोड़ी सी मीडियम फ्लेम कर दूंगी इसकी। ये देखें थोड़ा मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है, और अभी भी ये पक रहा है। तो स्लो आंच पे मैं आधे घंटा पौने घंटे के लिए छोड़ दूँगी, बीच में मैं चेक करूँगी, और मैं जब ये गल जाएगा फिर मैं आपको भुनाई करके दोबारा दिखाऊंगी इसकी, ताकि ये इसके टमाटर हरी प्याज और गोश्त हमारे गल जाए, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें आधे घंटे से ऊपर हो गया है, 10 मिनट। तो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये देखें पानी बिल्कुल खुशक हो गया है, और हमारी ये टमाटर और प्याज भी यहाँ पर गल गए हैं, और मैंने ये जो मैं आपको दिखाया था हरा मसाला, तो अब यहाँ पर ये जो टमाटर भी मैंने रोके थे, ये देखें हरे वाले कच्चे टमाटर, ये भी मैंने थोड़े से रोक लिए, तो ये यहाँ पे मैं ये भी डाल रही हूँ, और हरी मिर्च अदरक और हरी मिर्चें ये मैं डाल के भुनाई कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, और एक टमाटर, ये देखें
इंशाल्लाह बनाइएगा और देखिएगा बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। और ये मैं बुनाई कर रही हूँ, ये देखें ग्रीन कढ़ाई आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी बनी है आपकी। और आपके कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग बताते हैं कैसा बना है, तो कमेंट्स करके मुझे बताते रहा करें। और बुनाई हो रही है, चूल्हा थोड़ा सा मैंने इसमें यहाँ पे तेज कर दिया है, बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये। अगर आपने टमाटर अलग से डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे अच्छे से बुनाई हो चुकी है और अब मैं ये डिश आउट कर रही हूँ। हमारा तार तेल भी यानी तार जो होता है तेल के ऊपर आ चुका है, बुनाई हो गई, अब मैं डिश आउट कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने डिश ले ली है, अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो आप ये देखें मैंने यहाँ पे डिश आउट कर दिया है, गार्निशिंग भी कर दी है जो मैंने टमाटर बचाया था, और थोड़ी सी अदरक ऊपर डाली है। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार बनेगी, इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।